हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल भटनागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर को और अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जर्नल एंट्रीज़ को बहुत डीपली समझा है, हमने बहुत सीरियसली लिया है जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर को, और इसके मैंने 6 वीडियोज़ पहले पोस्ट कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आपने उनको देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। हमने जर्नल एंट्रीज़ करी हैं मॉडर्न अप्रोच को लेके, हमने जर्नल एंट्रीज़ करी हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे आप गोल्डन अप्रोच भी बोलते हैं, उनको समझते हुए करी हैं। हमने जर्नल एंट्रीज़ GST के साथ भी करी हैं। उसके बाद हमने समझा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैसे कब कब दिया जाता है और कौन देता है, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ भी हम पिछले वीडियोज़ में समझा चुके हैं। और फिर हमने की जर्नल एंट्रीज़ जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो आज हम और आगे चलने वाले हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को लेके चलेंगे कि इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी। ये स्टूडेंट्स आपकी TS ग्रेवाल की बुक में भी दिए हुए हैं, जर्नल चैप्टर चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। तो इन टर्म्स को आप जानते हैं, समझते हैं, ये एक तरह से हमारा रिविजन्स है। तो रिविज़न तो जितनी बार भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले हम चलेंगे पहली टर्म में हमारी बैड डेट्स को लेके। उससे पहले मैं बता दूं आपके लिए, मैं रूल्स रेडी रैकनर यहाँ पे रखे हुए हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स एक्सपेंसेस लायबिलिटीज़ कैपिटल और रिवेन्यू को लेके। तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इन स्पेसिफिक टर्म्स को लेके। तो कुछ मैंने ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं बैड डेट्स के ऊपर, पहले हम बैड डेट्स को समझते हैं, फिर इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। स्टूडेंट्स, बैड डेट्स आपके लिए नया टर्म नहीं है, फिर भी अगर हमने कोई क्रेडिट सेल करी है, तो जिसको भी हमने क्रेडिट सेल करी है तो वो हमारा डेटर हो गया। उस डेटर को चाहिए ये है कि हमें 15 दिन में, 1 महीने में, या जो भी हमारा टर्म डिसाइड हुआ है कि हम 1-2 महीने में पेमेंट दे देंगे, वो दे देना चाहिए। इन केस डेटर वो पेमेंट नहीं देता या वो ही इज़ नॉट एबल टू पे, इंसॉल्वेंट हो जाता है कुछ भी रीज़न, वो कहता है मैं नहीं दूंगा जी पैसा, तो वो हमारा जो पैसा जो हमने लेना है वो हमारा बैड डेट्स हो जाता है। इट मीन्स इट लॉस हो जाता है, कंपनी को लॉस है वो। तो बैड डेट का मतलब हुआ बैड डेट्स इज़ एन अमाउंट विच इज़ नॉट रियलाइज्ड इधर होली और फुल्ली फ्रॉम अवर डेटर, एंड डैट अमाउंट इज़ अ लॉस टू अवर कंपनी, एंड डैट अमाउंट इज़ टर्म्ड एज बैड डेट। बैड डेट्स हमारे लिए एक एक्सपेंस है। बैड डेट्स एक्सपेंस की हम जनरल एंट्री बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों हमने डेटर्स अकाउंट को किया? क्योंकि हमने उन डेटर से पैसे लेने थे, अब वो पैसे नहीं दे रहा है तो हमने उसके अकाउंट को तो सेटल करना ही है। हमने उसको पहले डेबिट किया हुआ था, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा। और बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, एज पर रूल एक्सपेंस को हम डेबिट करते ही हैं। और ये भी हो सकता है किसी केस में डेटर कहता है मैं पूरा पैसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो दे दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मैं 10,000 में से 2,000 रुपये दे दूंगा आपको, बाकी मैं 8,000 नहीं दे सकता। तो हमारे जैसे भी वो पैसा देता है, कैश देता है या चेक देता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट जितना भी दिया हो, बाकी एक्सपेंस है ही हमारा और डेटर अकाउंट तो क्लोज करना ही। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं इनकी जर्नल एंट्रीज को समझेंगे हम। ₹15,000 ड्यू फ्रॉम अमित नॉट रिकवरेबल, बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन्स है। 15,000 अमित से लेने थे, अमित हमारा डेटर रहा होगा, विच इज़ नॉट रिकवरेबल मतलब नहीं मिलेंगे, तो हमारा सीधा बैड डेट्स अकाउंट है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। अमित को तो हमने क्लोज करना ही है ना, अमित का अकाउंट, तो हमने एक्सपेंस अपना बुक कर लिया, हमने मान के चल लिया ये नॉट रिकवरेबल है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट इज़ नॉट इमेटीरियल दिस केस, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री समझाने के लिए ये किया हुआ। और आगे चलते हैं, मोहन हु ओड ₹20,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ही पेज 50 पैसा इन ए रुपी इन फुल सेटलमेंट। मोहन भी हमारा एक डेटर था जिसने 20,000 ले रखे थे, जिसने देने थे हमें 20,000, अब वो कह रहा है मैं 50 पैसा इन ए रुपी ही दे पाऊंगा। 50 पैसा इन ए रुपीज़ मतलब 50%, 10, 20,000 का 50% मीन्स 10,000 ही दे पाएगा, तो जो दे रहा है वो तो ले ही लो। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर चेक से पेमेंट है तो कैश अकाउंट डेबिट।
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू मोहन अकाउंट। अब मोहन से मैं इसको रब कर देता हूँ। मोहन से हमने लेने थे 20,000। 20,000 में से 10,000 वो दे रहा है और 10,000 हमारा एक्सपेंस है। सिंपल है। अगर यहाँ पे वो कहता कि ही पेज 25 पैसा इन ए रुपी, सिर्फ से 25 पैसा, इट मीन्स 1/4, तब क्या हो जाता हमारा ये कट के 5,000। 20,000 की जगह सिर्फ से वो 5,000 ही देता और यहाँ क्या हो जाता 15,000। ये 20,000 ही रहता क्योंकि हमने इसका अकाउंट सेटल करना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। रिसीव्ड कैश ₹5,000 फॉर ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने कुछ बैड डेट्स मान के चले थे कि बैड डेट्स हैं नॉट रिकवरेबल, वो इस साल रिकवर हो गए हैं। ये तो अजूबा हो गया, मिरेकल हो गया। तो जो मिल रहा है वो तो ले ही ले हम। कैश अकाउंट डेबिट, कैश से दिया है तो कैश अकाउंट, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, अब हमें ये इनकम हुई है, इनकम हुई है तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से हम खोलेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ₹5,000। अमाउंट इज इमेटीरियल, बेसिकली आपको जर्नल एंट्री समझानी है। क्लियर है। ये हमारी इनकम है। हम जैसे यहाँ हमने बैड डेट्स मान लिए हैं, यहाँ हमने बैड डेट्स मान के चले हैं। लास्ट ईयर भी इसी तरह बैड डेट्स माने थे लेकिन वो अचानक उसने ₹5,000 दे दिए। वेल एंड गुड भाई, पैसा मिल रहा है। तो हमने बैड डेट्स को रिकवर कर दिया, हमारी इनकम हो गई। तो हमारा रिवेन्यू है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और कैश अकाउंट है हमारा, एसेट्स है तो हमारा डेबिट होगा ही होगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी बैड डेट्स के ऊपर। अभी मैं इसको रब करता हूँ और कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स लेके आऊँगा, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज को हम समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वेलकम बैक। कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को समझते हैं और उनके साथ उनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज को समझते हैं। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। स्टूडेंट्स, ये कोई नई टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। गुड्स को प्रोप्राइटर ने या ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो उसकी कैपिटल फॉर्म में से कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम हो जाएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिया है। गुड्स लिया है तो हम हमेशा परचेजेस करते हैं, परचेजेस अकाउंट्स। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जब हमने ये गुड्स परचेज किया होगा तो उस समय अगर जीएसटी दिया है तो जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी पार्ट को हम यहाँ रिवर्स करेंगे। परचेजेस के एकदम नीचे लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, वट एवर द केस। अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी लिख देंगे। क्यों किया हमने जीएसटी को रिवर्स, क्योंकि ये सेल नहीं है, ये हमने गुड्स प्रोप्राइटर ने लिए हैं। तो उस समय इस गुड्स के ऊपर जितना भी जीएसटी दिया था उसे रिवर्स करेंगे और इस जीएसटी को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते आउटपुट के साथ में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब गुड्स को चैरिटी की तरह दिया है या डोनेशंस में दिया है तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ हमारा ड्राइंग्स अकाउंट की जगह गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशंस लिख सकते हैं आप। बाकी एंट्री सेम रहेगी, टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी या आईजीएसटी। क्लियर है। और आगे चलें, देखें गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। स्टूडेंट्स, फ्री सैंपल्स हम क्यों देते हैं? फ्री सैंपल्स हम देते हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, सेल्स प्रमोशंस के लिए। इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो हमने गुड्स दिया है अपने प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए दिया है तो हमारा ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सिर्फ से हम यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
अकाउंट डेबिट टू, अगेन सेम रहेगा परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। और आगे चलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट और डैमेज। स्टॉक हमारा वेयर हाउस में रखा हुआ था, या तो वो चोरी हो गया या उसमें आग लग गई या डैमेज हो गया, कुछ भी हुआ हमारे लिए कंपनी के लिए तो लॉस ही है, तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस ही हम इसे मानेंगे और एंट्री करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और बाय थेफ्ट और बाय डैमेज। जो भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ होगा वो आप नरेशन लिखोगे और अगेन एंट्री वही की वही रहेगी। ये हमारे लिए एक लॉस है, हमारे लिए गुड्स गिवन एज चैरिटी भी लॉस था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लॉस था, और लॉस बाय फायर और डैमेज और थेफ्ट ये भी एक लॉस है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया है। और परचेज, और क्योंकि सेल नहीं है इसलिए परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स थी, इसके अलावा और भी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपके बुक टी एस अग्रवाल में दी हुई हैं, मैं भी इसे रब करता हूँ और उन ट्रांजेक्शन्स को लेके आता हूँ और उनकी जर्नल एंट्रीज को हम समझेंगे। वेलकम बैक, कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स को समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स अगर कुछ एक्सपेंसेस जो करंट ईयर को पर्टेन करते हैं और वो बाय द एंड ऑफ मार्च पे नहीं होते हैं, नेक्स्ट ईयर में पे होते हैं, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और लाइबिलिटी बन जाती है। एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड बाय द एंड ऑफ 31st मार्च, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे वेजेस हैं, सैलरीज हैं, रेंट हैं, जो हमने करंट ईयर में हमें पे करने चाहिए थे लेकिन नहीं पे किए। मार्च के यूजुअली मार्च वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम अप्रैल में पे होते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर सारे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। वेजेस अगर हमने मार्च का दिए नहीं दिया है, वेजेस मार्च का फॉर एग्जांपल अगर 3000 था पेड इन अप्रैल, तो ये 3000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो इसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, हम वेज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस है या सैलरी है या रेंट है वट एवर वेजेस अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस अकाउंट को हम एज पर रूल डेबिट करते हैं। और एक टर्म लेके चलते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स प्री पेड एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, बहुत डिटेल में हमने प्री पेड एक्सपेंसेस को समझाया। फिर भी आज हम प्री पेड एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इट मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर को पर्टेन नहीं करते थे, फॉलोइंग ईयर को करते थे, वो भी हमने पे कर दिए। वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस यूजली एक साल का दिया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ये यूजली 1 ईयर का होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1st जुलाई 2019 को हमने 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो 1 ईयर के हिसाब से ये कब तक चलेगा, 30th जून 2020 तक चलेगा। अब ईयर तो हमारा मार्च 20 में फिनिश हो गया ना, 1920 का ईयर, तो 1920 के ईयर में जो हमने एक्सपेंसेस थे वो हमारे अगर 100,000 रुपीज़ पर मंथ का लें तो 9,000 तो करंट ईयर के आ गए। यहाँ पे अप्रैल मई और जून ये 3 महीने के एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज़, 3,000 कैसे, 12,000 अगर एनुअली है तो पर ईयर पर मंथ कितना हो गया 1,000 रुपीज़, तो 3,000 रुपीज़ ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस की जगह आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लिख दिए, जो भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट
टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट क्यों? हमने करंट ईयर का एक्सपेंसेस 12,000 से हम उसको क्रेडिट में दिखा देंगे, इंश्योरेंस को कम कर देंगे 3,000 रुपीज से। मीन्स इम्पैक्ट जो रहेगा 9,000 ही रह जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री लेके चलते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड मीन्स अर्नड इनकम विच हैज बीन अर्नड इन द करंट ईयर बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ऐसी कौन सी इनकम्स होती हैं जो करंट ईयर में हमने अर्न तो कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है? मोस्टली सैलरी होती है, जो हम मार्च की सैलरी हम अर्न कर लेते हैं लेकिन उसे अप्रैल में मिलती है, या फिक्स डिपॉजिट्स पे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, जो मार्च तक का इंटरेस्ट है वो हमें मई जून में जाके मिलता है। तो डेट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो ये हमारी एसेट्स है। तो अगर सपोज हम इंटरेस्ट को लेके चलते हैं तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। इनकम की जगह आप इंटरेस्ट लिख सकते हैं, इनकेस इंटरेस्ट है तो जो भी है, तो आप अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कर लीजिए, अगर हमने इंटरेस्ट को लेके चल रहे हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हमारी एसेट्स है, हमने इसको डेबिट कर दिया, हमने करंट ईयर का हमें इनकम थी जो हमें अभी नहीं मिली है, तो हमारी एसेट्स है, क्लियर है? तो अभी हमने ये तीन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स करी हैं, होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और आगे चलते हैं, देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम हमने अभी करंट ईयर में अर्न ही नहीं करी है या ड्यू ही नहीं है हमें, वो हमें मिल जाए। ऐसा यूजली रेंट के केस में होता है, अप्रैल और मई का रेंट हमें यूजली मार्च में मिल जाता है ना, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर कोई है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम की जगह आप जो भी ट्रांजेक्शन हो, रेंट है या कुछ भी अगर एडवांस में है तो आप वो लिख सकते हो। और हम किसको करेंगे डेबिट? इनकम अकाउंट। अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट को कर देंगे, तो हमारी ये लायबिलिटी ड्यू बन गई है क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हो गया। और आगे चलते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी ₹10,000, इंस्टॉलेशन पेड ₹2,000। स्टूडेंट्स यूजली क्या होता है, हम मशीन खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल इधर हमने ₹10,000 की मशीन खरीद के तो ले आए लेकिन उसको इंस्टॉल भी तो करना है, इंस्टॉलेशन में लग गए तो ₹2,000। इसके अलावा और भी लग सकते हैं, हमने मशीन को लेके आए हैं, वेजेस दिए हैं हमने या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, वो भी तो हमारी एक तरह से मशीन की कॉस्ट में ही आएगा ना, तो मशीन की कॉस्ट में हम इसको ऐड कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक साल में ख़त्म नहीं होगा, इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करेंगे हम, 12,000 रुपीज़ से, 10,000 ये और 2,000 ये भी मिला दिए। अगर इसमें हमने वेजेस पे की होते तो वो भी मिला देते, जो भी खर्चा उस समय हो रहा है मशीन के जब तक लग के चालू ना हो जाए तब तक का खर्चा पूरा उसके अंदर मशीन अकाउंट में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से पेमेंट हुआ है या बैंक से चेक से पेमेंट हुआ है, जो भी वट एवर इट इज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हमने करी हैं, जो आपके TS ग्रेवाल की बुक में भी दी हुई हैं, हमने इनको अच्छे से समझाया। होप आपको हमारे जनरल वीडियोस अच्छे लगे होंगे, हमने बहुत अच्छे से समझा, बहुत डीप में समझा, 6-7-8 वीडियोस हमने डाले हैं इसके ऊपर, तो आप देखिए, सबको देखिए और समझिए। अगर अभी भी ज़रा भी कोई डाउट है तो आप उसको लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसको आपको जवाब दूंगा। तो अभी हम जनरल चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, हम अब नए चैप्टर की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में, लेजर जिसका नाम है, और चैप्टर नंबर 9 TS ग्रेवाल के हिसाब से, आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तब तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।